हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 4558 IC को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 IC लिया है, 1 IC जो मेरे पास ठीक है और 1 IC जो है ये मेरे पास, ये IC जो है ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले ठीक IC को चेक करते हैं, उससे देखते हैं कि उसमें कितना रीडिंग आता है और पता करते हैं यह सही है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना होगा। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं और मल्टीमीटर के रेड वायर को हमें IC के ग्राउंड पिन यानी पिन 4 पर रखना है और मल्टीमीटर के ब्लैक वायर से हम IC को चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए हमें इसे थोड़ा फैलाना पड़ेगा। अब चलिए IC चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं IC के फर्स्ट पिन पर 824 रीडिंग आई है, IC के टू पिन पर 796 रीडिंग आई है और IC के थ्री पिन पर हमें 804 या 5, यानी कि 800 लगभग प्लस माइनस 5-10 हो सकता है इसमें। तो ये IC ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 5, 6 और 7 पिन पर लगभग सेम रीडिंग हमें मिल रही है। तो इससे हम ये पता लगा कि ये वाली IC जो है हमारे पास ये ठीक है। तो अब चलिए हम जो मेरे पास ख़राब IC है उसे चेक करते हैं। तो ख़राब IC का पता हमें इस ऐसे लगेगा कि मतलब कि हमने पहले जो मेरे पास ठीक IC थी मैंने उसे चेक किया, तो उसमें रीडिंग जो है जो एक ठीक IC में मिलनी चाहिए हमें वो मिली, लेकिन इससे इसमें जो ख़राब IC में जो हमें रीडिंग मिलेगी वो थोड़ा इससे डिफरेंस होगी, या 100 रेंज ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमारी ये जो दूसरी वाली IC है ये ख़राब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें रीडिंग मिल रही है यहाँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।